अशोक कुमार को एक हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया। कहाँ जा रहा है बे? बाबे नानक ने बहुत बड़िया बड़िया प्रॉब्लम दे हल कीते ने, तो आड़े प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। और तू कौन है? मैं चिक्की हूँ। तेरे चिक्की है? सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। दरवाजा खोलो। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदेरी का देवदास, बर्बाद आशिक, बिक्की बावरा, सस्ता रांझा, मजनू का वांझा, चन्ना मेरे या पागल प्रेमी, दुखी दर्जी, टूटा दिल शहजादा, जिसका प्यार रह गया आधा, कबीर सिंह, सूखा बर्जी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आने वाले दिनों में हमें कौन सा बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जब हमें कुछ बढ़िया वेब सीरीज तो देखने को मिलने ही वाली है और कुछ बढ़िया हिंदी मूवीज भी ओटीटी पे रिलीज होने जा रही है। तो बाकी और भी कुछ कंटेंट सरप्राइज रिलीज किया गया है और काफी कंटेंट को अनाउंस कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में। उन सभी के बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले एक हिंदी अंडररेटेड मूवी को लेके काफी सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं कि ये मूवी जिसको कुछ टाइम पहले बुक माई शोज टीम की ओर से रिलीज किया गया था और उसके बाद ये मूवी अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसका नाम है इमाम दस्ता। तो काफी लोगों को ये मूवी मिल नहीं रही है, जिसकी IMDb रेटिंग अमेजिंग 8.7 की है और ये एक मस्ट वॉच मूवी है जो अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली देखने के लिए अवेलेबल है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो। तो अगर आपको फिर भी ना मिल रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, जिसमें हमें कुछ ऐसे दोस्तों की कहानी देखने को मिलने वाली है जो पहले तो एक दूसरे से अनजान होते हैं और एक नई जगह पे एक ही रूम में रहने के बाद एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो उसके बाद उनकी जिंदगी में काफी भूचाल आने वाले हैं जो हमें इस मूवी में काफी हंसाने वाले हैं। जो मूवी मस्ट वॉच है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपको ना मिल रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद साल 2022 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया हिंदी इमोशनल ड्रामा मूवी अगम, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है और ये मूवी काफी सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है, जो अभी ऑनलाइन भी देखने के लिए अवेलेबल है। और ये मूवी उन लोगों के लिए रेकमेंडेड है जिनको थोड़ी सी ठहराव वाली और जिंदगी में कुछ सिखाने वाली मूवीज देखना पसंद है। तो ये मूवी हर किसी के लिए नहीं बनी है, स्पेशली मसाला मूवीज देखने वाले लोगों के लिए। तो ये 7.4 रेटिंग वाली मूवी अभी ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया आर रेटेड, मतलब के 18 प्लस एडल्ट, हाइस्ट वाली कॉमेडी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है थिन आइस, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की है और अभी ये बढ़िया मूवी अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक इंश्योरेंस एजेंट होता है, लेकिन काफी डिसऑनेस्ट होता है, मतलब के थोड़ा लालची टाइप का बंदा होता है। और अभी वो एक साइको बंदे से मिलता है जो दोनों मिलके एक बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन वो चोरी उनकी जिंदगी पे भारी पड़ने वाली है, वही हमें सस्पेंस और थ्रिल भरी कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है। और इसकी बढ़िया IMDb रेटिंग 6.2 के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जो अभी अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी ड्रामे भी रिलीज कर दी गई है। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड की एक बढ़िया मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, जिसका नाम है समवेयर, जो एक आर रेटेड 18 प्लस एडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.3 की है और अभी यह मूवी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी ड्रामे भी अवेलेबल कर दी गई है। और कहानी हमें इस मूवी में एक हॉलीवुड एक्टर की देखने को मिलने वाली है जो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी से तंग आ चुका होता है और अभी अपनी जिंदगी को रीसेट करने में लगा होता है, जब उसकी 11 साल की बेटी अचानक से उसके पास आ जाती है। तो उसके बाद कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है, वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में देखने को मिलता है, जिसे आप अभी इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं इंडिया में। इसके बाद इसी साल में ही साउथ कोरिया के एक्शन सुपरस्टार डॉन ली की एक सुपरहिट मूवी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द राउंड ऑफ पनिशमेंट, जिसे थिएटर्स में अभी तक ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है और इसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.6 की है, जिसमें हमें एक्शन भरपूर कहानी देखने को मिलती है। और इस मूवी के पहले दो पार्ट्स आ चुके हैं जो दोनों ही सुपरहिट रहे हैं, जो दोनों ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हैं इंडिया में, लेकिन अभी इंतजार हो रहा है इस मूवी के पार्ट 3 का, जो है द राउंड ऑफ पनिशमेंट, जिसको लेके काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन बता दूं कि अभी तक ये मूवी ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है और वीडियो ऑन डिमांड पे भी ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, जिसको अभी तक हिंदी डब नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी डब में रिलीज तो की जाएगी, बट उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मतलब इस मूवी को हिंदी डब में नेक्स्ट मंथ, मतलब अक्टूबर के बाद ही किया जाएगा, या तो ये अक्टूबर मंथ में देखने को मिल जाएगी या फिर उससे भी ज्यादा थोड़ी सी लेट हो सकती है। बाकी अभी तक कोई कंफर्म अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन जब भी कुछ कंफर्म पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा।
जिसके लिए आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को फॉलो जरूर करते रहें। इसके बाद गुजराती ऑडियंस के लिए काफ़ी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी हल्की फुल्की, जिसकी IMDb रेटिंग 7 की है, जिसके बारे में हमारा एक भाई पूछ रहा था कमेंट्स में। तो ये मूवी भी अभी ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल है, लेकिन ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही। बाकी कहाँ पे देख सकते हो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हमें अलग अलग उम्र की 9 औरतों की कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया एडवेंचर ड्रामा मूवी अडियोस अमीगो, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 की चल रही है, और अभी ये मूवी OTT प्रीमियर के लिए रेडी हो चुकी है, जिसको अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 6 अगस्त के दिन मतलब के फ्राइडे के दिन से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन अफसोस ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया जा रहा है अभी इस मूवी को, जिसे आप हिंदी सबटाइटल के साथ जरूर देख पाएंगे, जिसमें हमें दो बंदों की कहानी देखने को मिलने वाली है जो बस स्टॉप पे एक दूसरे से मिलते हैं, और दोनों की जिंदगियों में ही अलग अलग भसड़ मची होती है, और दोनों ही एक साथ मिलकर उसी भसड़ को सुलझाने के लिए निकलते हैं। इसके बाद Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर करने के लिए एक नई बड़ी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है बर्लिन, जो एक नई क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है 13 सितंबर से, जब ये मूवी हमें Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। और इस मूवी की कहानी भी काफी सस्पेंस और थ्रिल भरी हुई होने वाली है, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति खुराना एंड राहुल बोस के साथ और भी बढ़िया स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है, और कहानी एक बड़े टेररिस्ट अटैक की होने वाली है, जो अभी इंडिया में रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर होने वाला होता है, और उसी को लेके ही कुछ बड़ी टिप्स मिलने वाली है, जिसको एक गूंगा बंदा बताने वाला है। तो कहानी में और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी आने वाले हैं, जो इस मूवी को काफी थ्रिलिंग भरा हुआ बनाते हैं। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है इस मंथ की, जिसे अभी नेक्स्ट वीक 13 सितंबर से Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद अभी लास्ट वीक में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है साउथ की एक बढ़िया एक्शन थ्रिलर मूवी सरी पोदा शनिवारम, जिसमें हमें साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार नानी मेन रोल में देखने को मिलते हैं, और इस मूवी में एक्शन और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है, जिस मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, जिसे थिएटर्स में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया गया है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया भी जा रही है, और इसको रिव्यूज भी काफी बढ़िया मिल रहे हैं, तो इसका OTT पे रिलीज होने का भी इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि अभी इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जिसको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिजर्व कर लिया गया है, और ये मूवी हमें अक्टूबर मंथ के सेकंड वीक में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है, जहाँ पे इसे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलती है जो हफ्ते के 6 दिन तो एक शरीफ बंदा होता है, लेकिन अपने आप को उसने एक दिन दिया होता है, जब वो अपने पूरे हफ्ते की भड़ास निकालता है, मतलब कि जो भी उसे 6 दिन में तंग करता है वो 7वें दिन मतलब कि शनिवार के दिन में उसको सबक सिखाता है। कहानी तो सिंपल सी है, लेकिन इसको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में। बाकी ये अक्टूबर मंथ के सेकंड वीक में ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मुझे मूवी को OTT पे देखने के बाद जो लगभग सभी इंडियन ऑडियंस को पसंद आई है, तो उसी यूनिवर्स से ही 3 मूवी के पार्ट 2 का भी अभी काफी इंतजार हो रहा है OTT पे रिलीज होने का, जो थिएटर्स में तो धमाल मचा ही चुकी है और 500 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर चुकी है, और अभी भी इसका बॉक्स ऑफिस कंटिन्यू चल रहा है, जो ऐसे लगता है कि 700 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज को लेकर काफी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो बता दूं कि इस मूवी को Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, और ये मूवी हमें रेंटल बेसिस पे देखने को मिलेगी। बाकी इसकी रिलीज डेट की बात करें तो ये मूवी हमें सितंबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसे सितंबर मंथ के 3rd वीक में मतलब 20 से 25 सितंबर के आसपास Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाएगा, और अगर बिना रेंटल की बात करें तो उसके लिए हमें अक्टूबर मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम मिड अक्टूबर में ही ये मूवी हमें नॉर्मली OTT पर रिलीज होते हुए देखने वाली है, मतलब के बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी और बढ़िया इमोशनल ड्रामा मूवी को OTT प्रीमियर करने का अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है उचादर बाबे नानकदा, जो एक रिलीजियस इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है, लेकिन इसमें रिलीजन से ज्यादा फैमिली के इमोशंस होने वाले हैं, जो हमें फैमिली की बॉन्डिंग को दिखाने वाले हैं और टूटते और जुड़ते हुए रिश्तों को, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और इसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया है, जो अभी 8.3 की चल रही है। लेकिन अभी तक इस मूवी को ओनली 16 लोगों की ओर से ही रेट किया गया है, बट एक तो प्रॉमिस आपसे जरूर कर सकता हूँ कि ये मूवी होने काफी बढ़िया वाली है। इसके लिए तो आपको मेरा ट्रस्ट करना ही होगा। डायरेक्शन चाहे वीक हो, लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट मस्ट वॉच होने वाला है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।